अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं कहकशा, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की छूट तो दे दी है, लेकिन जब सुबह सुबह आँख खुली तो नजारा अद्भुत था। शराब की दुकानों पर कई किलोमीटर लंबी लाइन ऐसे लगाकर खड़े थे जैसे मंदिर के बाहर प्रसाद बट रहा हो। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले। लोग सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली का है। देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी सोमवार से शराब की दुकानें खुल तो गई हैं, लेकिन जगह जगह अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। यहां तक कई जगहों पर पुलिस ने लाठियां तक बरसा डाली। इस बीच बढ़ती भीड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने फिलहाल शराब की सभी दुकानों को बंद करने के लिए कहा है। हुंकार मीडिया ब्यूरो। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली सरकार ने जो ठेके खोले हैं उसके बाद विश्वास नगर गली नंबर 16 और 15 में जो ठेका है, भयंकर भीड़। दो बार पुलिस का लाठी चार्ज हो चुका है, लेकिन आधे लोग वो हैं जिन्होंने खाने का राशन मांग कर खाया है, जो खाने की लाइन में लगे थे और वही लोग ठेके की लाइन में लग रहे हैं। ये देखो, राशन हो ना हो पर दारू चाहिए सबको। अरविंद केजरीवाल साहब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, एक आदमी तीन तीन बोतल ले जा रहा है और ये पुलिस लठ मारते हुए। ये देखो, ठेकों को तोड़ने की नौबत आ गई है। छीरा छट्टी जेब काटी जा रही है लोगों की और ठेके के लिए दारू के लिए भीड़। ये देखो, ये हमारे पुलिस वाले बेचारे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।